जहां है गंगा यमुना सरस्वती का संगम, वहीं पर है राजनीति की कई धाराओं का उद्गम। देश को दिशा देता एक प्रदेश, जहां से नेतृत्व पाता है अक्सर ये देश। ढेर सारी खबरों का खजाना है उत्तर प्रदेश। हम इन खबरों से करवाएंगे आपको रूबरू। देखिए, सरकारी सुविधाओं से वंचित है पहाड़ापुर स्थित दलितों का गांव दयारामपुरवा। 75 वर्षों बाद भी गांव में नहीं पहुंची विकास की किरण, अभी तक नहीं हुआ नाली और सड़क का निर्माण। एक तरफ जहां देश आजादी के 75वें वर्ष के मौके पर अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जिले के हलधरमऊ ब्लॉक के ग्राम पंचायत पहाड़ापुर स्थित दयारामपुरवा गांव में दलित बस्ती के लोग मूलभूत सुविधाओं से अभी भी वंचित हैं और सरकारी सुविधाओं की बात जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अपने भाषण में कहा कि 2022 तक देश के हर गरीब परिवार के सिर पर पक्की छत होगी, लेकिन उसके विपरीत गरीब दलित परिवार आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना, नाली व सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। मामला विकास खंड हलधरमऊ के ग्राम पंचायत पहाड़ापुर के दयारामपुरवा का है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना की लालसा लिए गरीब परिवार अपने भाग्य को कोस रहा है। बताते चले कि उक्त गांव की निवासिनी मुन्नी पत्नी अनोखीलाल, रामकला पत्नी भक्ति, रेणु पत्नी हनुमंतलाल, मुन्नी पत्नी रामशंकर, ललिता पत्नी प्रहलाद अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ खुद से बने घर में रहकर किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उपरोक्त महिलाओं ने बताया कि 2011 की पात्रता सूची में उनका नाम अंकित है, फिर भी उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रखा जा रहा है। तमाम ग्रामीणों ने कहा कि आजादी से आज तक गांव में न तो नाली और न ही सड़क का निर्माण कराया गया है। वहीं गांव में जल निकासी की व्यवस्था न होने से घरों में जल भराव की समस्या बनी रहती है। सड़क न होने से बरसात में पूरे गांव में पानी भरा रहता है, जिससे बाजार हाट जाने में काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इसी क्रम में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उपरोक्त समस्या को संज्ञान में लेते हुए उपजिलाधिकारी को पत्र लिखकर दलित परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ एवं गांव में नाली और सड़क निर्माण कराए जाने की मांग की है। पत्र में लिखा गया है कि ग्राम पंचायत पहाड़ापुर का दयारामपुरवा दलितों की बस्ती है। उक्त गांव में जीवन यापन कर रहे लोग किसी तरह मेहनत मजदूरी कर अपने व अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। पात्रता के आधार पर 2011 की सूची में कई लाभार्थियों का नाम अंकित है, फिर भी उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रखा गया है। गांव में आज तक न तो नाली का निर्माण किया गया है और न ही सड़क का निर्माण किया गया है, जिससे जल निकासी की समस्या निरंतर बनी रहती है। गांव में सड़क न होने से बरसात में पूरे गांव में पानी भर जाता है, जिससे ग्रामीणों को हाट बाजार व इलाज हेतु डॉक्टरों के पास जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पत्रकार संगठन ने मांग करते हुए कहा कि मौके की जांच कर पात्र गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाते हुए गांव में नाली सड़क निर्माण शीघ्र कराया जाए, जिससे प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार किया जा सके। मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए उपजिलाधिकारी हीरालाल ने तहसीलदार एवं एडीओ पंचायत को संयुक्त रूप से जांच सौंपी है। इस मौके पर जिला सचिव जीतलाल गोस्वामी, तहसील अध्यक्ष गुलरेज खान, उपाध्यक्ष बैजनाथ अवस्थी, महामंत्री रणविजय सिंह, महामंत्री महादेव प्रसाद मौर्य, ब्लॉक अध्यक्ष अनिल कुमार गोस्वामी, उपाध्यक्ष सुधीर पांडेय, महामंत्री गणेश रस्तोगी सहित कई लोग मौजूद रहे। जनपद गोंडा से MB भारत सिंह की रिपोर्ट। नाम कहाँ के? मुन्नी। निवासी कहाँ? दयारामपुरा। मौजा? पहाड़ापुर। समस्या कहाँ? समस्या का है साहब, घर देखा गया है कि उनमें चुवत चावत है, गिरा पड़ा है। और हिलाऊं तो बहुत दिन से सुने थे कि बन जाए, लेकिन तो आज तक मोदी कहीं ना कहीं कहाँ बना। तो कॉलोनी आपका नहीं मिला है? हमें कॉलोनी कहाँ मिला। तो प्रधान से आप मिले कि नहीं मिले? प्रधान से मिलन, प्रधान के गए, वो कहीं चक्कर कहीं फार्म भर दिन है, आई तो आवत है सबके, लेकिन तो हमारा पता नहीं भरत है कि क्या करते हैं। अब कह दिया था बचारी आई थी। अब चाहत क्या है? अब कहा चाहे थे जो मोदी कहा था कि मिल जाए कॉलोनी, वहाँ हमहूँ चाहे थे मिल जाए। नाम क्या है आपके? ललिता। निवासी कहाँ के हो? पहाड़ापुर दयारामपुर। समस्या क्या आपके? कहीं ना कॉलोनी मोदी जी दी, एक तो नहीं दी ने अभी, सबका मिला हम मिलते ही नहीं है अभी। वैसे आपके नहीं बना है, वैसे ही सब पड़ा है, बोले थे दे देंगे, दिए ही नहीं अभी। तो आप क्या चाहते हैं? कॉलोनी चाहते हैं, बन जाए घर मेरा भी, गरीब हैं साहब। नाम आपके क्या है? मुन्नी। निवासी कहाँ के? दयारामपुरवा। मौजा? पहाड़ापुर। समस्या भी क्या है? समस्या है, चार लड़कियां हैं, दो लड़के हैं, मजबूरी ना करे तो खा लिए, तो
तो मजूरी करके कोनो मेरे पेट पाला जाता है। प्रधान कॉलोनी नहीं दिया था, कहा था देवे देवे दिया नहीं है। मोदी के तरफ से तो पूरा ऐलान है कि हाँ सबके कॉलोनी दिया जाए, लेकिन हम लोगों को मिला नहीं है। तो आप क्या चाहते? हम चाहे थे कि हमें कॉलोनी मिले, कोई रहने का ठिकाना हो जाए। मैंने नाम आपके कहा है? रेनू। निवासी कहाँ के? रहे वाली कहाँ के? पहाड़ापुर दहरामपुर। समस्या आपकी क्या है? अरे अब कॉलोनी वालोनी मिलवे नहीं कहीं से, और घर कुरिया है ये नहीं, भीज लड़के भीजे लागत है, पानी बरसत है तब अपने लगी इतना तावड़ी तामड़ी है ये नहीं कि घर कुरिया बनवा लिए, और घर कुरिया बनवाई कि खाए पानी लड़कन का जी आई, और एक ठो कॉलोनी मिल जाता है तो ठीक रहा। तो प्रधान से मिली कि नहीं मिली? प्रधान से मिलन कई बाजी कहन और कहा था हाई हाई तो अवत ही नहीं है को, बहुत दिन से कहा था यहाँ। क्या चाहते हो आप? कॉलोनिया मिल जाए।